अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में खैरियत से रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो है मेरी, मैंने नूडल्स बनाए हैं, वेजिटेबल नूडल्स की वीडियो अपलोड की है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर हैं उम्मे उस्मान हैं जिन्होंने मैं ज्वाइन किया है, वो मेरी वीडियोस देख रही हैं और कमेंट्स कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे उस्मान आपका। शायद मंजूर साहब हैं, हमेशा ही मेरी मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शायद मंजूर साहब आपका। और बीबी हैं सिस्टर मेरी, वो बहुत ही अच्छी हैं, हमेशा बहुत ही खूबसूरत कॉमेंट करती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब मैं अपनी वीडियो, अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो एक पॉट में मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने तीन चार जवे डाले हैं लहसुन के, ये देखें इस तरह से आप डालें। और फिर इसके अंदर आपने प्याज डाल देनी है, दो अदद बारीक काटी हुई। और इसको इस तरह से आप पकाएंगे कि इसका पिंक कलर हो जाएगा, तब तक पकाएंगे आप। फिर इसमें डालेंगे हम गाजरें बारीक कटी हुई, तीन से चार अदद मैंने गाजरें डाली हैं। फिर मैंने सोल्ट डाला है आधा टीस्पून, और फिर ये मैंने मटर डाले हैं हाफ़ टी स्पून डाले हैं, हाफ कप डाले हैं। और ये दो हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, और इनको मिक्स करें अच्छी तरह से। और ये मैंने ब्लांच किए हैं टमाटो, फ्रेश टमाटो डाले हैं मैंने। और अब एक पॉट में मैं यहाँ पर नूडल्स डाल रही हूँ। इसको पानी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और उसमें मैंने डाला था दो टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाले थे, और वन टेबलस्पून मैंने सोल्ट डाला था। और अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये ना सॉफ्ट ना हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं। इनको अलदानते तक हम तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। बंद कर दूँ। अब मैंने इसमें डाला है स्वीट कॉर्न का, एक टिन में डाल दूँगी स्वीट कॉर्न। अगर आपके पास फ्रेश स्वीट कॉर्न है आप उसको यानी कि बॉईल करके डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है काली मिर्च का, और यहाँ पर एक जो बोतल है वो मैंने डाली है पास्ता सॉस की। इसको डाल के अच्छी तरह पकाना है आपने। वेजिटेबल्स को स्टॉक डाला है एक मैंने लिया था, और ये इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, आप भी ट्राई करें। ये देखिए कितना प्यारा कलरफुल बेस बन गई है, इतनी ज़बरदस्त, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स मैंने डाले हैं। सतरंगी हैं, वो स्वीट कॉर्न है येलो कलर की, ग्रीन चिलीज़ हैं। अब ये देखें मैंने बेल पेपर डाली है, शिमला मिर्च है आधी आधी डाली है मैंने ना। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर हो गया है। अच्छी तरह से ना ये इसको आपने पकाना है कि ऑयल थोड़ा सा बाहर आ जाए। तो अब ये मैंने पास्ता है वो पानी गिरा दिया है इसका, तो ये इसको अब मिक्स करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ट्राई करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे तो आप रिक्वेस्ट करें कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए नई वाली। किन वूमेंस के लिए ये एक टिप है कि आप एक कंटेनर में डालें नूडल्स जो मैंने बनाई हैं, इनको दो तीन बॉक्स बना के फ्रीज़ कर लें। आराम से आप वीक में दो तीन दफ़ा ये रीहीट करके ना तो आप खा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वीडियो देखने का। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।